वहीं निजी अस्पतालों में वैक्सीन के दाम तय। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को जानकारी दी है, कोविन पोर्टल पर ही अपडेट होगा वैक्सीन का रेट। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के फैसले के बाद, ऐलान के बाद, अब वैक्सीन के रेट तय किए जा रहे हैं। निजी अस्पतालों में वैक्सीन के दाम अब तय हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को इस बात की जानकारी पहुंचा दी है। कोविन पोर्टल पर ये अपडेट होगा कि वैक्सीन की रेट कितनी है, और राज्यों को सूचित किया जा चुका है। निजी अस्पतालों में अब वैक्सीन के रेट तय होंगे और उसके ऊपर जो सरचार्ज है वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता। देखिए, कोविशील्ड का निजी अस्पताल में 780 रुपये होगा, कोवैक्सीन निजी अस्पताल में आपको 1410 रुपये में, स्पुतनिक वी का अगर हम रेट की बात करें तो ये 1100 से ज़्यादा है। कोवैक्सीन 1410 रुपये में आपको मिलेगी निजी अस्पताल में अगर आप टीका लगवाते हैं तो, और स्पुतनिक वी 1145 रुपये में आपको निजी अस्पतालों में मिलेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से पल्लवी हमारी सहयोगी मौजूद हैं। पल्लवी, लगातार ये दिक्कतें हम देख रहे थे कि कहीं पर अलग रेट है, कहीं पर अलग रेट है, और एक बड़ी धांधली भी इसमें सामने आ रही थी, लेकिन अब जब रेट तय है तो जनता को इससे सुकून मिला होगा। जाहिर तौर पर देखिए, अलग अलग राज्यों की पहले ही डिमांड आ रही थी, क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो है स्टेट्स को अलग प्रोक्योर करना पड़ रहा था, हॉस्पिटल्स को अलग प्रोक्योर करना पड़ रहा था, इसीलिए लगातार केंद्र पर यह दबाव बनाया जा रहा था कि सेंटर जो है वो अपने हाथ में ले ले और फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो। तो देखिए, 75% जो है अब केंद्र सरकार जो वैक्सीन है उसको प्रोक्योर करेगी, और जो 25% वैक्सीन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स प्रोक्योर करेंगे। क्योंकि इस तरीके की खबरें थी कि अलग अलग नाम से वैक्सीन को जो है चार्ज किया जा रहा है, चाहे वो ड्राइव थ्रू के जरिए हो, चाहे वो किसी होटल में दिया जा रहा हो, उसमें चार्जेस बढ़ाकर दिया जा रहा था। तो सरकार ने साफ तौर पर जो है सर्विस चार्ज जो है फिक्स कर दिया है, जिसकी कीमत 150 रुपये है, यानी वैक्सीन की कीमत प्लस जीएसटी और प्लस सर्विस चार्ज मिलाकर जो अभी आपने वैक्सीन की कीमतों की दाम बताई है वही ऑल ओवर इंडिया माना जाएगा, और इससे ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएंगे प्राइवेट हॉस्पिटल। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि इस पर निगरानी रखी जाए, और अगर कोई भी इसे ज्यादा चार्ज करता है तो उस अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही गई है। पल्लवी, जनता के लिए तो ये राहत की खबर है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल इस पर क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर? देखिए, फिलहाल तो जो अस्पताल है उन्होंने किसी तरीके की आपत्ति नहीं जताई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको कैप कर दिया है, और जब ऐसी आपदा आती है, जब पैंडेमिक होता है तो ऐसे चीजों को कंट्रोल किया जाता है, और लगातार इस पर मांग भी उठ रहे थे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि 600 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये और उसमें सर्विस टैक्स वगैरह लगाकर अगर आप देखें तो 1400 से ज्यादा कोई भी वैक्सीन नहीं है। तो लेकिन ड्राइव थ्रू के नाम पर कहीं पर 1800 में लग रहा था, कहीं 1400 में लग रहा था, कहीं 600 ही लग रहा था। इस वेरिएशन को खत्म कर लिया है केंद्र सरकार ने, और इसलिए राज्य सरकारों को कहा है कि ये निगरानी आप रखें कि इसे ज्यादा चार्ज नहीं किया जाए। अस्पतालों की तरफ से अभी इस तरीके की कोई बयान नहीं आया है कि उनको किसी तरीके की आपत्ति है, क्योंकि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीन की कीमत क्या होगी, जीएसटी कितना है, और साथ ही साथ सर्विस चार्ज आप कितना देंगे, तो स्पष्ट है। इसीलिए किसी तरीके की कोई जो हम कहें प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद